यू व्हाट्स अप गाइस, दिस इज डम्पस्टर एंड आज मैं आपको क्राइसिस सीरीज की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्रेस द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज मैंने फाइनली एक और गेमिंग चैनल ओपन कर लिया है जिसमें मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ एंड यहाँ पे आपको मेरा एक रियल कैरेक्टर देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पे आपको मेरी सारी अनसेंसर्ड गेमिंग क्लिप्स देखने को मिलेगी, तो आप उसे देख सकते हो एंड इंजॉय कर सकते हो। प्लस अगर आपके पास टाइम हो और आपका मन करे तो आप मेरी लाइव स्ट्रीम्स भी ज्वाइन कर सकते हो। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, तो याद से चेकआउट जरूर कर लेना। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं आपको क्राइसिस 1, देन वॉरहेड, फिर क्राइसिस 2 और क्राइसिस 3 की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। प्लस नोमैड का क्राइसिस 1 के इवेंट के बाद क्या हुआ ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसे ऑलमोस्ट हर क्राइसिस फैन का क्वेश्चन होता है। तो पहले मैं क्राइसिस 1 से स्टार्ट करता हूँ। क्राइसिस 1 की स्टोरी ये 2020 से स्टार्ट होती है, जहाँ जनरल री चान क्योंग नॉर्थ कोरियन फोर्सेस ले लिंगसान आइलैंड को कैप्चर कर लेता है। ऑल्सो ये भी एक अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट की टीम भी काम कर रही होती है जिसे डॉक्टर डेविड रोसेंथल लीड कर रहा होता है एंड यही इन्हें कुछ अजीब सी चीज मिलती है जो कि पूरे वर्ल्ड को चेंज करके रख दे एंड इसी देख डॉक्टर रोसेंथल एक डिस्टर्स सिग्नल भेजता है जिसके रिस्पॉन्स भी यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी डेल्टा फोर्स की रैप्टर टीम इस आयरन की तरफ डिस्पैच होती है एंड इस टीम में सबके पास नैनो टेक्नोलॉजी से लैस नैनो सूट्स होते हैं जो कि इवन अपने ओनर को हील और हैवी मसल पावर्स दे सकते हैं एंड यही सूट्स इन्हें गन फायर और हैवी एक्सप्लोजन से भी बचाते हैं। इस टीम को मेजर लॉरेंस बांस ए के प्रॉफिट लीड कर रहा होता है एंड इसके साथ हारोल्ड कॉर्टस ए के एस्टेक, मार्टिन हॉकर ए के जेस्टर, माइकल स्काइस ए के साइको एंड हमारा मेन कैरेक्टर जेक डन ए के नोमैड ये सब भी होते हैं एंड इनका मेन ऑब्जेक्टिव आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को इवैक्यूएट कराना एंड और कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले वो लाना था। अब सबके हीरो जंप करते अचानक से नोमैड का सूट डिसेबल हो जाता है बट उसके पानी में गिरते वो अपनी फॉल को सरवाइव करता है जिसके बाद प्रॉफिट रिमोटली उसके सूट को अनेबल कर सबके सब रीग्रुप होते हैं और नहीं वो देखते कि एस्टेक मरा हुआ है बट जैसा वो मरा हुआ दिखता है वैसा कोई इंसान तो उसे नहीं मार सकता और ये टेक किसी और के हाथ ना लगे इसलिए प्रॉफिट उसे और उसके सूट को इवेपोरेट कर देता है। प्लस जिसने भी उसे मारा है उसी ने जनरल री चांग की आर्मी केपीए की एक स्क्वाड को भी हंट किया है जो कि पासी में मरी थी। अब रैप्टर टीम मिशन को फॉलो करते उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट की बोर्ड फ्रोजन पड़ी मिलती है वो भी जंगल के बीच में और यहाँ क्या चल रहा है ये सब समझने से पहले उनका पहली बार एक एलियन से एनकाउंटर होता है जो कि जेस्टर को ले मार देता है। जनरल री चान यहाँ सारे आर्कियोलॉजिस्ट को हॉस्टेज बना इन आइलैंड पे माइनिंग करा रहा होता है एंड उन्हीं में से एक हॉस्टेज रैप्टर टीम को मिलता है जो कि एक CIA एजेंट था जिसे डॉक्टर रोजेंथल के काम को इन्वेस्टिगेट करने भेजा गया था। और वहीं जंगल में नोमैड को एक और हॉस्टेज मिलता है नेम्ड बडोस्की जो कि मारा जा चुका है एंड वहीं पास में कुछ केपीए सोल्जर्स एलियन से लड़ते हुए भी दिखते हैं। अब प्रॉफिट के साथ रीग्रुप होते प्रॉफिट को भी एक एलियन कैप्चर कर ले जाता है जिसके कुछ टाइम बाद मेजर क्लियरेंस स्ट्रिकलैंड नोमैड से कॉन्टेक्ट कर उसे मिशन अबॉर्ड करने को कहता है एज रैप्टर टीम के काफी सोल्जर्स ऑलरेडी मारे जा चुके हैं बट नोमैड इस ऑर्डर को रिजेक्ट कर अपना मिशन कंटिन्यू रखता है एंड वहीं वो डॉक्टर रोजेंथल की रिसर्च कॉम्प्रेस को ढूंढ उसमें उसे रोजेंथल 2 मिलियन ईयर्स पुराने रेयर फॉसिलाइज्ड आर्टिफैक्ट के साथ मिलता है एंड ऐसे ही एक जिंदा एलियन रैप्टर टीम को भी हंट कर रहा है। रोजेंथल यहाँ रिवील करता है कि ऐसे आर्टिफैक्ट अफगानिस्तान और साइबेरिया में भी पाए गए हैं, रिवीलिंग कि एलियंस इस आइलैंड में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कई सालों से छुपकर बैठे हैं। और यही रोजेंथल के इस आर्टिफैक्ट को स्कैन करते ये एलियन एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी पल्स रिलीज करता है जो कि रोजेंथल और आसपास के पूरे एरिया को फ्रीज कर देता है एंड नोमैड को उसका नैनो सूट टेम्परेचर को स्टेबलाइज कर बचा लेता है जिसके बाद नोमैड एक वीटोर में जाने से पहले नैनो सूट इक्विप्ड केपीए सोल्जर से भी लड़ता है, रिवीलिंग कि केपीए के पास भी ये टेक्नोलॉजी है जो कि कैसे आई ये मैं आपको वीडियो के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब नोमैड अपने सुपीरियर्स को सारी इंटेल दे US मिलिट्री इस आइलैंड में फुल स्केल इन्वेजन स्टार्ट करती है जिसे मेजर स्ट्रिकलैंड लीड करता है एंड यहाँ इस आइलैंड का सेंट्रल माउंटेन टूट रहा होता है जिससे एक बड़ा एलियन स्ट्रक्चर रिवील होता है जो कि उसी माउंटेन के साइज का होता है। अब नोमैड के इवैक्यूएशन साइट में एंट्री करते जनरल क्योंग फाइनली उसे कैप्चर कर लेता है एंड वो उसके सूट को डिसेबल कर रिमेनिंग हॉस्टेजेस में से एक को मार देता है जिसके बाद वो एलियन स्ट्रक्चर में घुसने के लिए एक्सप्लोजिव से उसका गेट ओपन करता है जिससे एक एनर्जी पल्स निकल क्योंग के सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं एंड वही एनर्जी नोमैड के सूट को फिर से अनेबल करते नोमैड क्योंग के साथ फाइट कर उसे डिफीट करता है। अब US मरीन्स का वीटोल यहाँ आता तो है बट साइट के टूटते नोमैड सिर्फ डॉक्टर रोजेंथल की डॉटर
अरीना जो कि लास्ट हॉस्टेज थी उसे इवैक्यूएट करा खुद साइड में फंस जाता है। अब नोमैड एस्केप करने के लिए एलियन स्ट्रक्चर में जाता है जहां वो जीरो ग्रेविटी के स्टेज में एंटर हो एक पूरी एलियन आर्मी को अपनी आंखों के सामने इनविजन के लिए रेडी होते हुए दिखता है। नोमैड यहाँ इसके अंदर काफी एलियन से लड़ता भी है एंड उसके यहाँ से एस्केप करते इस स्ट्रक्चर से एक एनर्जी निकलती है जो की एक आइसफेयर बनाती है जिसके अंडर का टेम्परेचर -129 डिग्री सेल्सियस तक का हो जाता है एंड यही लो टेम्परेचर में एलियन से फाइट करते नोमैड को फाइनली प्रॉफिट मिलता है जिसका सूट काफी डैमेज है एंड अब वो एक एलियन वेपन मॉलिक्यूलर एक्सीलेटर का यूज कर रहा होता है टू डिफीट एलियंस एंड दोनों की इस आइसफेयर से बाहर निकलते वो हेलिना के क्रैश वीटोल के पास जाते हैं जहां प्रॉफिट और हेलिना को दूसरे वीटोल में बैठा इवैक्यूएट करा दिया जाता है एंड नोमैड दूसरे इवैक्यूएशन पॉइंट पे जा वहां के वीटोल में एस्केप करता है कि यहीं पे एक अनस्टॉपेबल क्वाड्रपल एलियन एक्सोसूट वीटोल को रोकने ही वाला था कि मेजर स्ट्रिकलैंड अपने आप को सैक्रिफाइस कर उस पे ओपन फायर करने लग जाते हैं जिससे उस एलियन का ध्यान मेजर पर जा वो उसे मार देता है एंड नोमैड एस्केप करता है। अब नोमैड के एस्केप करते एलियन शिप्स उस पर अटैक करती है जिससे उसका पायलट मारा जाता है और इंजन के डैमेज होते नोमैड फ्लाइट की कमांड ले यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पे लैंड करा देता है। नोमैड यहाँ साइको और उसके बाद एडमिरल रिचर्ड मॉरिसन से मिलता है जो कि रिवील करता है कि उसके सुपीरियर्स ने लिंगशान आइलैंड पे न्यूक्लियर स्ट्राइक कराने के ऑर्डर दे दिए हैं टू स्टॉप एलियंस। बट यहाँ हेलिना एडमिरल के अगेंस्ट जाती है एज उसे पता होता है कि एलियंस न्यूक्लियर एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेंगे बट एडमिरल उसे इग्नोर करते स्ट्राइक लॉन्च कर देता है एंड यही इस न्यूक्लियर एनर्जी को ये आइसफेयर एब्सॉर्ब कर लेता है जिससे एलियन से काफी बड़ी फोर्सेस यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ती है टू इन्वेड देम एंड यहाँ प्रोफेट डिक वीटोल को ले आयरन पे चले जाता है टू फाइट एलियंस। कैरियर में न्यूक्लियर रिएक्टर्स डैमेज होते नोमैड उन्हें ठीक करता है एंड यही उसी के सामने एलियंस एडमिरल को भी मार देते हैं। अब हेलिना यहाँ नोमैड के नैनो सूट का यूज कर एक सिग्नल भेजती है जो कि एलियंस को भर के एनर्जी दे ओवरलोड कर मार देती है जिसके बाद नोमैड शिप पे रखे एक प्रोटोटाइप वेपन टैक कैनन को लेके जाता है टू फाइट एलियंस एंड ऐसे ही नोमैड शिप के डेक पे वापस आ एक बड़े एक्सोसूट को डिफीट करता है कि वही एक बड़ा एलियन वॉरशिप पानी से निकल कैरियर और नोमैड पे अटैक करता है लेकिन हेलिना यहाँ पे फिर से एनर्जी सिग्नल भेज वॉरशिप की शील्ड को डीएक्टिवेट करती है एंड नोमैड सक्सेसफुली वॉरशिप को टैक कैनन का यूज कर डिस्ट्रॉय कर देता है जिसके बाद ये एलियन शिप कैरियर को लेके एनर्जी फील्ड बना शिप को डिस्ट्रॉय कर रही होती है लेकिन नोमैड टाइम पे साइको और हेलिना के वीटोल में जम कर वहाँ से एस्केप करता है। अब उनके वहां से निकलते उनके पास एक और कैरियर ग्रुप से ट्रांसमिशन आता है फॉर अ मीटिंग एंड उन्हें प्रॉफिट का भी ट्रांसमिशन आता है जो कि अभी भी आइलैंड के अंदर है एंड नाउ दे नो हाउ टू डिफीट एलियंस एंड सब के सब आइलैंड की तरफ निकलते हैं और यही क्राइसिस 1 का एंड होता है। सो अब क्राइसिस वॉरहेड की स्टोरी सेम टाइमलाइन पे लाया करती है जब नोमैड और साइको दोनों नॉर्थ कोरियन हार्बर को रेड करने के बाद स्प्लिट हुए थे। अब साइको यहाँ एक मरीन कॉन्वे को ज्वाइन करता है टू डिफेंड देम अगेंस्ट नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स बट कॉन्वे के डिस्ट्रॉय होते मरीन और साइको रात भर फाइट करते हैं जिसके बाद ये लोग एक वीटॉल में बैठ एस्केप कर ही रहते कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स उसे भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब साइको के होश में आते वो देखते हैं कि एक नॉर्थ कोरियन हेलीकॉप्टर किसी कंटेनर को ले उड़ रहा है और जब तक वो उसे रोकता तभी वो हेलीकॉप्टर एक ईएमपी ब्लास्ट करता है जिससे साइको फिर से बेहोश हो जाता है। अब साइको के फिर से होश में आते उसे कमांडर एमर्सन ऑर्डर देती है टू परस्यू अनदर नॉर्थ कोरियन कंटेनर एज उस कंटेनर में शायद से न्यूक्लियर वॉरहेड हो सकता है। अब मिशन के प्रोग्रेस होते साइको अपने ओल्ड फ्रेंड सीन ओनील से रियूनाइट होता है जो कि ओरिजिनली नोमैड की जगह उस नैनो सूट में रैप्टर टीम के साथ होने वाला था बट उसका एवोल्यूशन टेस्ट फेल होते उसकी जगह नोमैड को भेज दिया गया। अब नॉर्थ कोरियन सोल्जर से लड़ते ओनील का F-35 जेट डाउन हो जाता है जिसके बाद साइको उसकी मदद कर उसे एक वीटॉल देता है टू एस्केप। साइको के यहाँ कंटेनर को ट्रैक करते वो काफी सारे नॉर्थ कोरियन सोल्जर से जंगल और कोस्ट लाइन में फाइट करता है अंटिल ये उस कार्गो को कैरी कर सबमरीन के पास पहुंचता है एंड वहीं रिवील होता है कि ये कोई न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं बल्कि एक एलियन वॉर मशीन है जो कि साइको को फिर से एक ईएमपी ब्लास्ट दे नॉक कर देती है। अब साइको के फिर से होश में आते वो नॉर्थ कोरियंस के हाथों कैप्चर्ड हो रखा होता है एंड यही नॉर्थ कोरियन सोल्जर का कर्नल ली किमसुन उसे मारे उससे पहले एक आइस वेव पूरे एरिया को बर्फ में जमा देती है बट साइको का नैनो सूट टेम्परेचर को स्टेबल कर साइको को जिंदा रखता है। अब साइको फ्रोजन वाटर एंड वैलीज में ट्रैवल कर उस कार्गो शिप को परस्यू करता है कि तभी उसे एक और नैनो सूट से लीस ईगल टीम मिलती है जिनके साथ मिल वो एक बड़े एक्सोसूट वाले एलियन को डिफीट करता है
अब ये लोग एक माइंड के अंदर जाते, साइको इनसे सेपरेट हो जाता है एंड वहीं उसे एक अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन दिखता है एंड एमर्सन की ऑर्डर को फॉलो करते वो उस कंटेनर से लोडेड ट्रेन को बोर्ड करता है एंड ट्रेन के साथ एनिमीज से ग्राउंड फाइट लेते साइको ट्रेन को एक ब्रिज पे रोक वहाँ बॉम्ब्स प्लांट करता है। एज अगर फ्रेंडलीज इस कंटेनर को लेने में अनसक्सेसफुल रहेंगे देन साइको इन बॉम्ब्स को ट्रिगर कर कंटेनर को डिस्ट्रॉय कर देगा। बट एक अननली एक US मरीन को हॉस्टेज बना साइको से वो कंटेनर ले जाने में सक्सेसफुल होता है एंड साइको बॉम्ब डेटोनेट करने में लेट हो जाता है एंड साइको और वो मरीन दोनों ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं जिसमें साइको तो नैनो सूट की वजह से अपनी फॉल सर्वाइव कर लेता है बट वो मरीन नहीं। और यही साइको रेज में आ पासी में पड़े नैनो सूटेड नॉर्थ कोरियन सोल्जर को पानी में डूबा मार देता है। साइको का भी इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है बट कुछ देर बाद वो फिर से अपने कंपोजर को गेन करते इस मिशन को फिर से करने निकल जाता है एंड यहाँ वो अपग्रेडेड एग्जोसूट वॉकर से बैटल कर उसे पासी में क्रैश US एयरफोर्स कार्गो प्लेन के एरिया में लाता है जहाँ वो एक पावरफुल एक्सपेरिमेंटल वेपन प्लाज्मा एक्यूमुलेटर कैनन का यूज कर फाइनली उस एग्जोसूट एलियन को डिफीट करता है एंड कर्नल ली ओनिल को मारे उससे पहले ही साइको क्लॉक का यूज कर उसे बचाता है एंड दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट में बिल्ड साइको कर्नल को डिफीट कर उसे वहीं एयरफील्ड में छोड़ कंटेनर को लेके चले जाता है जहाँ कर्नल ली की जिंदगी एक और एलियन एक्सोसूट के हाथों में है एंड यही साइको रिलैक्स करता है और यही इस गेम का भी एंड हो जाता है। ऑल्सो थ्रू आउट द गेम काफी सारी ऑडियो क्लिप्स प्ले होती है जिसमें एक क्लिप ये बताती है कि कैसे ओनिल ने अपना इवेल्युएशन टेस्ट फेल किया एस उसी की वजह से एक स्क्वाड मेट की डेथ हुई जो कि शायद से डोमिनिक एच लॉकहार्ट का नेफ्यू था एंड ये डोमिनिक कौन है ये आपको क्राइसिस 2 में पता चलता है एंड लास्ट में नोमैड और साइको की क्लिप शो होती है जहां नोमैड अपने मिशन को कितनी इम्पोर्टेंस देता है ये पता चलता है एंड यहीं पे क्राइसिस वॉरेड की समरी एंड होती है। अब क्राइसिस 2 की स्टोरी 2023 से स्टार्ट होती है क्राइसिस 1 के 3 साल बाद जहां न्यूयॉर्क सिटी में मैनहट्टन वायरस फैल चुका है जो कि क्राइसिस 1 के एलियंस का ही है एंड ये वायरस कुछ वायरस एंड फंगस का मिक्सचर की तरह है। तभी आप ह्यूमंस के बॉडी में अलग से कुछ स्पोर्स की लेयर्स एंड मसल टिश्यूज देख सकते हो जस्ट लाइक लास्ट ऑफ अस क्रिएचर्स। अब यहाँ सिटी में एलियन इन्वेजन भी स्टार्ट हो जाता है बाय सेफ जो कि इन एलियंस का ही नाम है। ऑल्सो सेफ यहाँ नॉर्मल एलियंस हैं विद सम हैवी गियर्स एंड एक्सोसूट्स ये कोई बॉर्न मेटल सूट वाले नहीं है एंड ये बात मैंने बस कुछ लोगों के कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए कहा है जिन्हें लगता है कि सेफ पूरे मेटल टाइप आर्मर के साथ ही पैदा हुए हो वगैरह वगैरह। खैर गेम में एलियन इन्वेजन को देखते मैनहट्टन सिटी में मार्शल लॉ को जारी कर दिया है एंड US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ सिटी में एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी क्रैनेड एनफोर्समेंट एंड लोकल लॉजिस्टिक्स यानी सेल भी इन एलियन से लड़ने के लिए डिप्लॉय हुई है एंड इन सेल सोल्जर्स को क्रैनेड कॉर्पोरेशन रन करता है। अब अगस्त 2023 यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स फोर्स रिकॉन की एक यूनिट को डिप्लॉय किया जाता है इन न्यूयॉर्क सिटी टू इवैक्यूएट फॉर्मर क्रैनेड एम्प्लॉयड डॉक्टर नेथन गोल्ड एज शायद से गोल्ड के पास सेफ से लड़ने की नॉलेज हो। बट यही सेफ इनकी सबमरीन को डुबा बचे कुछ सारे मरीन सोल्जर्स को मार देते हैं एंड यही इस गेम का मेन कैरेक्टर जेम्स रोड्रिगस एके अल्कैट्रास मॉर्टली वाउंडेड होता है जिसे फॉर्मर क्राइसिस कैरेक्टर मेजर लॉरेंस बॉन्स एके प्रॉफिट बचाता है एंड यहाँ प्रॉफिट अपने आप को सेक्रीफाइस कर मार देता है एंड अपने नैनो सूट को अल्कैट्रास के नाम कर देता है। अब अल्कैट्रास के होश आते उसे नैनो सूट में रखी रिकॉर्डिंग मिलती है जहाँ प्रॉफिट रिवील करता है कि वो भी मैनहट्टन वायरस के चपेट में आ रखा था इसलिए उसने अल्कैट्रास को चुना टू कंटिन्यू हिज फाइट अगेंस्ट सेफ एंड प्रॉफिट मर चुका है। ये बात तभी अल्कैट्रास के अलावा और किसी को नहीं पता एंड गोल्ड बिलीविंग अल्कैट्रास इज प्रॉफिट वो उसे अपने लैब में बुलाता है बट बीच में ही सेल फोर्सेस जिसे कमांडर डोमिनिक एच लॉकहार्ट लीड करता है वो अल्कैट्रास पर अटैक करता है बिलीविंग हिम टू बी प्रॉफिट एंड यहाँ इसीलिए अल्कैट्रास को गोल्ड से मिलने के लिए काफी टाइम लगता है। बट आफ्टर मीटिंग डॉक्टर गोल्ड वो जब अल्कैट्रास की बॉडी पे स्कैन डन करता है तब उसे भी पता चल जाता है कि वो प्रॉफिट नहीं कोई और है एंड जब वो उसे शूट करने वाला था कि उसे प्रॉफिट की रिकॉर्डिंग मिल जाती है जिससे वो सब कुछ समझ जाता है। अब यहाँ आने से पहले अल्कैट्रास ने एक एलियन टिश्यू का सैंपल लिया था जिसकी वजह से नैनोसूट खुद से ही नए कोड्स लिखने लग जाता है एंड शायद से नैनोसूट यहाँ मैनहट्टन वायरस के लिए कोई एंटीबॉडी को डेवलप कर रहा है बट गोल्ड के पास रिसोर्सेस कम है एंड सेल के उनके बेस पर अटैक करने के कारण वो डिसाइड करते हैं टू मीट अप एट क्रैनेड बेस इन वॉल स्ट्रीट और प्रॉफिट यह मिशन को करते काफी सारे सेफ्स और एक्सोसूट से फाइट करता है। अब गोल्ड से फिर से मीटअप करते वो प्रॉफिट के ऊपर स्कैन रन करता है कि वहीं लॉकहार्ट एंड तारा स्ट्रिकलैंड
उन्हें एम्बुश कर लॉकहार्ट प्रॉफिट के नैनोसूट को डिसेबल कर देता है। ऑल्सो यहाँ सेल और लॉकहार्ट प्रॉफिट को इसीलिए हंट कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि प्रॉफिट मैनहट्टन वायरस से इन्फेक्टेड है एंड ही इज जस्ट अ डेड मैन वॉकिंग विद अ प्राइसलेस एंड पावरफुल सूट। प्लस वॉरहेड में मैंने ये तो बताया ही था कि डोमिनिक के नेफ्यू की भी डेथ हुई थी, इसीलिए उसे नैनोसूट टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है। और इसी के साथ प्रॉफिट एंड डोमिनिक का इस सूट को लेकर डिसएग्रीमेंट भी हुआ था, जिसकी वजह से शायद प्रॉफिट ने पहले भी डोमिनिक के कई आदमियों को मारा है एंड इन्हीं कुछ कारण की वजह से डोमिनिक उसे हंट कर रहा है। बट यहाँ स्ट्रिकलैंड डोमिनिक को याद दिलाती है कि उन्हें प्रॉफिट जिंदा चाहिए, ऐसे हार्ग्रीव के ऑर्डर्स हैं एंड सेल सोल्जर्स एल्केट्रस को लेके जा ही रहे थे कि वहीं एक बड़ा एलियन स्पीयर ग्राउंड से निकल उनका चॉपर क्रैश कर देता है एंड एक स्पोर बेस्ड बायो वेपन का यूज कर उस एरिया के सारे सेल ट्रूप्स को मार देता है। यहाँ पे एल्केट्रस का नैनोसूट इस चीज को अडेप्ट कर उसे जिंदा रखता है, बट यही उसके सूट में थोड़ा सा मैल फंक्शन भी हो जाता है। पर वही जेकोब हार्ग्रीव ग्रेनेट का डायरेक्टर और हार्ग्रीव राश बायोटेक्नोलॉजीज का को फाउंडर नैनोसूट को रिमोटली रिबूट कर एल्केट्रस को कॉन्टैक्ट करता है एंड यही रिवील होता है कि उसे सेफ्स के बारे में काफी पहले से पता था और इवन नैनोसूट सेफ की टेक्नोलॉजी से ही चुरा कर बनाया गया है सो दैट ये लोग फ्यूचर में इन एलियन से लड़ पाए। हार्ग्रीव यहाँ एल्केट्रस को एक और सेफ स्पीयर पे भेजता है सो दैट कि वो उस पे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सके। ऑल्सो मिशन के रास्ते में हार्ग्रीव एक्सप्लेन करता है कि सेफ ने इस वायरस को इसलिए स्प्रेड किया सो दैट कि वो पूरे अर्थ से ह्यूमंस को मिटा यहाँ कब्जा कर सके एंड यहाँ मैनहट्टन वायरस ह्यूमंस की बॉडी को मेल्ट कर लिक्विडेटेड मास में कन्वर्ट कर देता है, जो कि आपने देखा होगा कि उनकी बॉडी पे जो लेयर सी लगी रहती है वो उन्हीं की बॉडी के मसल टिश्यूज हैं, जैसा मैंने अभी जस्ट समझाया था। और सेफ्स इस चीज को स्टोर कर डिस्पोज भी कर सकते हैं। अब एल्केट्रस के दूसरे एलियन स्पायर पे पहुंचते वो नैनोसूट के सिस्टम को एलियन टेक्नोलॉजी के साथ यूज करने का ट्राई करता है बट वो इसमें फेल होता है। मीनवाइल अब US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सेल के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर मरीन्स को सिटी में डिप्लॉय करती है जिसे कर्नल शर्मन बार्कले कमांड करता है और दूसरी तरफ अमेरिकन फोर्सेस सिटी के फ्लड बैरियर पे एयर स्ट्राइक के ऑर्डर्स देती है जिससे एलियंस बह कर लोअर मैनहट्टन से निकल जाए एंड एल्केट्रस के लिए हार्ग्रीव अपना चॉपर भेजता है जिससे वो हार्ग्रीव के पास पहुंच सके बट फ्लड की वजह से वो बह कर कहीं और पहुंच जाता है जहां उसे उसका पुराना स्क्वाड मेट चीनो मिलता है जो कि सबमरीन अटैक को सरवाइव कर गया था एंड अब ये मरीन्स ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो कि प्राइमरी इवैक्यूएशन पॉइंट है वहां से सारे सिविलियंस को इवैक्यूएट कराने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो यहाँ हार्ग्रीव एल्केट्रस को हार्ग्रीव रास बिल्डिंग जाने को बोलता है सो दैट कि वो नैनोसूट के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट फैसिलिट कर सके बट सेफ की इंटरफेरेंस से ये फेल हो जाता है। अब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सेफ फोर्सेस से ओवररन होते एल्केट्रस और बाकी मरीन्स सारे सिविलियंस को प्रोटेक्ट कर उन्हें वहां से इवैक्यूएट करा दूसरे इवैक्यूएशन पॉइंट टाइम स्क्वायर पे जाते हैं जहाँ सेफ की हैवी फोर्सेस से लड़ते एक और स्पायर ग्राउंड से उखड़ आ जाता है बट इस बार नैनोसूट अपने आप को सेफ स्पोर्ट से कनेक्ट कर उसे रिपर्पस करता है जिससे पास के सारे सेफ्स मारे जाते हैं। ऑल्सो यहाँ गूड भी सिविलियंस के साथ ट्रेन में था जो कि सेफ द्वारा ओवररन और डीरेल हो जाती है जिसके बाद गूल्ड एल्केट्रस को रोजवेल्ट आइलैंड के क्रैनेट कॉम्प्लेक्स द प्रिज़न जाने को कहता है एंड यही लॉकहार्ट एल्केट्रस को मारने का अटेम्प्ट करता है बट एल्केट्रस बीइंग मोर पावरफुल वो उसे सॉलिड हैवी टेक ग्लास से फेंक उसे मार देता है। अब एल्केट्रस प्रिज्म में जाते हार्ग्रीव उसे बिट्रे कर उसके सूट को डिसेबल कर देता है एज हार्ग्रीव को यहाँ उसे खुद के लिए नैना सूट चाहिए था सो दैट कि वो सेफ से लड़ सके एंड ह्यूमैनिटी को बचा सके एंड यहाँ हमें प्रॉफिट के पास विजन्स दिखते हैं वेयर हार्ग्रीव नोस कि नैनोसूट सिम्बियोटिक है इसीलिए प्रॉफिट ने नैनोसूट 2.0 को चुरा लिया था फ्रॉम हार्ग्रीव लैब एंड इसीलिए हार्ग्रीव सेल ऑपरेटिव्स को प्रॉफिट को हंट करने भेजता है। अब यहाँ हार्ग्रीव नैनोसूट को रिमूव करने का ट्राई करता है बट सूट उसे रिजेक्ट कर देता है और सेल सोल्जर्स उसे मारे। उससे पहले तारा स्ट्रिकलैंड उसे बचाती है जो कि रिवील करती है कि कार्ल अर्नेस्ट स्ट्रॉस और जेकोब हार्ग्रीव दोनों ने मिलकर क्रैनेट एम्पायर को खड़ा किया है एंड जेकोब हार्ग्रीव ने तुम उसका में सेल्फ एलियंस की टेक्नोलॉजी को छुरा ये नैनोसूट बनाए हैं यानी प्रॉफिट और उसकी टीम को जानबूझ के खतरे में डाला गया था एंड प्रॉफिट की रैपिड टीम वर जस्ट लाइक टेस्ट सब्जेक्ट फॉर दिस नैनोसूट। अब हार्ग्रीव के प्राइवेट ऑफिस में जाते हार्ग्रीव रिवील करते कि उसकी बॉडी वेजिटेटिव स्टेट में है विच इज स्टोर्ड इन क्रैनोइक चेंबर एंड वो काफी ओल्ड है एज उसकी एज 127 गेम में बिकॉज ही वॉज बोर्न इन 1896। हार्ग्रीव यहाँ रिवील करते कि उसका सपना था कि वो नैनोसूट पहनकर सबसे लड़े बट इट्स टू लेट
एज अब ये नैनोसूट भी उसे रिजेक्ट कर रहा है एंड इसलिए वो अल्कैट्रेस को द लास्ट पजल एक सीरीज देता है जिससे अल्कैट्रेस अब सेफ के साथ फुली इंटरफेस कर सकता है एंड यही बाकी सारी स्टोरी पजल्स भी जुड़ते हैं रिवीलिंग कि सेफ अर्थ में काफी सालों से आ रखे थे ह्यूमन से भी पहले और हॉग्रीव को पता था कि एलियंस जाग रहे हैं एज वो काफी टाइम से सो रहे थे बट उसने ह्यूमंस को वॉर्न करने की जगह हॉग्रीव नैनो सूट बनाता है सो दैट ही कैन फाइट विद सेफ एंड प्रॉफिट को भी जब ये बात पता चली कि सेफ न्यूयॉर्क सिटी में अटैक करने वाले हैं तब वो न्यूयॉर्क सिटी की तरफ बढ़ता है टू रिवील दिस थिंग बट उसे काफी देरी हो जाती है एंड अब सेफ इस आइलैंड को इन्वेड कर रहे हैं इसलिए हॉग्रीव सेल ऑपरेटिव सी कमांड अल्कैट्रेस के हाथों दे इस फैसिलिटी को सेल डिस्ट्रक्ट कर मर जाता है अब अल्कैट्रेस आइलैंड से एस्केप करते प्रिस से नीचे गिर जाता है जिसके बाद वो मैनहट्टन के शोर्स पे गोल्ड स्ट्रिकलैंड और चीनो से रीयूनाइट हो वहाँ से टैंक में एस्केप करता है बट सिटी के ग्राउंड से निकल रहे लार्ज एलियन टेंटिकल्स उसके टैंक पर अटैक कर उसे टीम से अलग कर देते हैं जिसके बाद बार्कले उसे बताता है कि स्टार्टकॉम ने सिटी पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने के ऑर्डर्स दिए हैं तो अल्कैट्रेस के पास काफी कम टाइम है टू डील विद सेफ्स एंड अल्कैट्रेस और उसके कॉमरेड्स एलियन इन्फेस्टेशन के सेंटर में देखते हैं कि एक बहुत बड़ी एलियन लीथोशिप सेंट्रल पार्क के बहुत बड़े पार्ट को उठा हवा में ले गई है जो कि वही एलियन स्पोर्ट्स को लार्ज स्केल में छोड़ सारे ह्यूमंस को मैनहट्टन वायरस से इन्फेक्ट करेगा एंड अब अल्कैट्रेस सेंट्रल पार्क को इन्फिल्ट्रेट कर एलियंस के सेंट्रल स्पोर्ट सिस्टम को इंटरफेस कर सक्सेसफुली स्पायर के एलियन बायो वेपन को सेफ के अगेंस्ट कर स्पोर को रिलीज कर देता है जिससे सिटी के सारे एलियंस मारे जाते हैं एंड अब अल्कैट्रेस थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस होते उसे प्रॉफिट दिखता है एज वो इस सूट में जिंदा है एंड प्रॉफिट बताते हैं कि न्यूयॉर्क वाली विन तो बस एक छोटी फाइट थी एज ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे सेफ जाग रहे हैं जिन्हें ऑफकोर्स इन्हें खत्म करना पड़ेगा एंड कुछ टाइम बाद गोल्ड स्टिकलैंड और मिलिट्री सिविलियंस की मदद कर सिटी को रिकवर कर रहे होते हैं एंड अल्कैट्रेस के होश में आते उसे कॉल अर्नेस्ट रॉस का ब्रॉडकास्ट रिसीव होता है जहाँ उसका नाम उससे पूछता है एंड तब अल्कैट्रेस रिप्लाई करता है अब क्राइसिस 3 की स्टोरी गेम प्ले के भी पहले स्टार्ट हो जाती है जहां क्राइसिस 2 के इवेंट के बाद साइको और प्रॉफिट दोनों अल्फा सेफ को ढूंढते हैं द अल्टीमेट सेफ लीडर एंड उसे वो लोग रशिया में ढूंढ कैद कर रख देते हैं बट कुछ टाइम बाद सेल कॉर्पोरेशन ग्लोबल डोमिनेंस की तैयारी में लग गई इसलिए वो सारे नैनोसूट सोल्जर्स को पकड़ उन्हें नैनोसूट से निकाल उनके सूट से सेफ सेल्स का यूज करने लग गई एंड साइको भी इसी चीज का शिकार हुआ था जहां उसे कुछ टाइम बाद उसके सूट से निकाल उसके सूट का सेल कॉर्पोरेशन गलत यूज करने लग गई थी अब क्राइसिस 3 की टाइमलाइन 2047 से स्टार्ट होती है क्राइसिस 2 के इवेंट्स के 24 साल बाद जहां सेल कॉर्पोरेशन प्रॉफिट को कैप्चर कर उसे भी उसके नैनो सूट से निकालने की तैयारी में होती है बट उसे एक रेसिस्टेंस फोर्स बचाता है जिसे साइको लीड कर रहा होता है प्रॉफिट यहां साइको को अपने विजन्स के बारे में बताता है जो कि उसे अल्फा सेफ्स ने दिखाए थे जिसमें एक बड़ा एलियन शिप अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आ रहा होता है बट साइको अभी भी अपने नैनो सूट को खोलने के बाद मेंटली अनस्टेबल है एंड इसीलिए वो प्रॉफिट को समझाता है कि उसने ऑलरेडी एलियंस को खत्म कर दिया है तो अभी उसका एनिमी सिर्फ सेल कॉर्पोरेशन ही है अब दोनों यहाँ से एस्केप करते सेल के बना न्यूयॉर्क सिटी लिबर्टी डोम को पार करते हैं विद सेल सोल्जर्स बीइंग ऑन देयर टेल एंड यहाँ साइको प्रॉफिट को अपने रेसिस्टेंस के हेडक्वार्टर में लाता है जिसकी कमांडर क्लेयर फोंटेनेली प्रॉफिट को हार्डवेयर के नाम से बुला डिसरिस्पेक्ट कर रही होती है ऑल्सो प्रॉफिट यहाँ क्लेयर का सपोर्टिव असिस्टेंस कार्ल अर्नेस्ट रॉथ से मिलता है जिसे प्रॉफिट का सूट रीड नहीं कर पा रहा होता है जो कि सूट के हिसाब से काफी एबनॉर्मल है बट कार्ल यहाँ उसे बताता है कि ही इज क्रिएटर ऑफ नैनो सूट दैट्स व्हाई सूट उसे रीड नहीं कर सकता अब क्लेयर और साइको रिवील करते हैं कि सेल एलियन टेक्नोलॉजी का यूज कर अल्टीमेट एनर्जी बना उसे सप्लाई कर रही है एंड वर्ल्ड की पावर सप्लाई में मोनोपोली गेन कर लोगों को सेल के डेप्थ में डाल रही है सेल का मेन पावर जनरेशन सिस्टम एक्स करके एक फैसिलिटी है जो कि सेल को अनलिमिटेड अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करती है प्लस यहाँ एक डैम भी है जो कि सेल के डिफेंसेस को पावर सप्लाई करता है और इट कैन बी बैकअप ऑफ सेल इसलिए प्रॉफिट डैम को डिस्ट्रॉय कर सिस्टम एक्स फैसिलिटी को इन्फिल्ट्रेट करता है एंड यही वो इस फैसिलिटी को शट डाउन करते देखते हैं कि सिस्टम एक्स अल्फा सेफ से पावर जनरेट कर रहा है एंड फैसिलिटी के शट डाउन होते अल्फा सेफ जाग फ्री हो जाता है और यही प्रॉफिट फैसिलिटी के सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने से पहले यहाँ से निकल अल्फा सेफ को एक वार्म होल ओपन करते हुए देखता है जो कि प्रॉफिट के विजन्स को रियल करती है जिसमें एलियंस वार्म होल के थ्रू आ रहे होते हैं एंड अब अल्फा सेफ जाग चुका है तो फाइनली सारे सेफ्स को कमांड मिल रही है टू हंट प्रॉफिट एंड किल अदर ह्यूमंस
अब प्रॉफिट नोस कि जैसे अल्फा सेफ उसके बॉडी में आ उसे जान सकता है, वैसे शायद प्रॉफिट भी एलियंस के बॉडी में जा उनसे इंटरफेस कर सकता हो। इसलिए प्रॉफिट और साइको पासी की सेल लैब जाते हैं जहां साइको की बॉडी से नैनो सूट हटाया गया था, एंड यहां प्रॉफिट सूट क्रेडल को एक्सेस कर काफी विजन्स देखता है। ऑल्सो यहां इन्हें रिवील होते हैं कि क्लियर पहले सेल के लिए काम किया करती थी, एंड इसी ने साइको का नैनो सूट उससे रिमूव किया, जिससे अब इनके बीच के रोमांस में अनबन हो जाती है। प्रॉफिट को यहाँ ये भी पता चलता है कि सेल का एक वेपन आर्क एंजल, जो कि एक सैटेलाइट बेस्ड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस है, वो अपने रेड स्टार राइजिंग प्रोटोकॉल को इनिशिएट करने वाला है। इस प्रोटोकॉल में अगर अल्फा सेफ अपने कंटेनमेंट और सिस्टम एक्स से रिलीज हो जाएगा तो आर्क एंजल एक बड़ा एनर्जी ब्लास्ट करेगा टू डिस्ट्रॉय अल्फा सेफ, बट इससे एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा जिससे पूरा अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, एंड प्रॉफिट क्लियर साइको और कार्ल सब एलियन से लड़ आर्क एंजल को शट डाउन करते हैं बाय फायरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि ऑलमोस्ट चेन रिएक्शन स्टार्ट कर ही सकता था। बट यही रिवील होते कि नैनो सूट कार्ल को इसलिए रीड नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो उसका क्रिएटर है, बट रियल रीजन वाज कि ही इज अल्फा सेफ, एज कार्ल अपनी एज लंबी करने के चक्कर में अपना डीएनए एलियंस के साथ मिक्स करने लग गया था बाय यूजिंग नैनोटेक, जिससे अल्फा सेफ उस पे कंट्रोल करने लग गया। सेम विद प्रॉफिट, जब उसने एलियन टिश्यू को क्राइसिस 2 में अपने नैनो सूट में मर्ज किया तब सेफ उसे भी कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे थे, बट प्रॉफिट ने इसके अगेंस्ट फाइट किया लेकिन कार्ल ये नहीं कर पाया। दैट्स व्हाई वो अल्फा सेफ के कंट्रोल में आया, एंड अल्फा सेफ यही चाहता था कि आर्क एंजल डिस्ट्रॉय हो जाए जिससे उसे कोई ना मार सके। अब यही कार्ल अल्फा सेफ के कंट्रोल में क्लियर को हैवीली इंजर्ड कर साइको क्लियर को लेके निकलता है, एंड प्रॉफिट कार्ल को होश मिला। कार्ल प्रॉफिट पे विश्वास रख अल्फा सेफ को डिस्ट्रैक्ट करता है जिससे प्रॉफिट और बाकी सब यहाँ से एस्केप कर सके। अब सेफ कॉलोनाइजेशन का स्टेज 3 शुरू हो चुका है, जहाँ सेफ्स आइंस्टाइन रोजन बीच का यूज कर अपनी M33 गैलेक्सी से ट्रेवल कर अर्थ में एंटर कर रहे होते हैं, एंड ह्यूमंस को खत्म कर वो इस प्लैनेट को कॉलोनाइज कर लेंगे। प्रॉफिट और साइको यहाँ से निकलते इस एलियन फाइट को सर्वाइव कर जाते हैं, बट क्लियर की फ्लाइट क्रैश होते वो मारी जाती है, एंड साइको अपने प्यार को मरता देख खुद को कोसता है, थिंकिंग कि ये सब उसके पास नैनो सूट ना होने की वजह से हुआ। प्रॉफिट या साइको को होश में लाता है बाय सेइंग कि अगर उसके पास सूट होता तो शायद से वो या प्रॉफिट जिंदा नहीं होते, और वैसे भी ये सेफ से लड़ाई उन्होंने करी है ह्यूमंस ने, ना कि इन सूट्स ने। और साइको अपने इमोशन को गेन करते अब वो अपने रियल नेम माइकल के नाम से जाना जाता है, और वो अपनी वाइफ का रिवेंज लेने के लिए एंड सेफ की आर्मी से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। अब माइकल पासी की वीटॉल को लाते प्रॉफिट और माइकल दोनों सेफ से एयर फाइट भी करते हैं, एंड यही प्रॉफिट एक पावरफुल सेफ एलियन को भी डिफीट करता है बाय यूजिंग देयर ओन वेपन्स, और वो मोल को देखते प्रॉफिट के नीचे की जमीन टूट वो अंडरग्राउंड सेफ के कंट्रोल्ड एरिया में घुसता है, जहाँ वो सेफ से लड़ते उनके मास्टरमाइंड कैरियर्स को डिस्ट्रॉय करता है, एंड एंड में फाइनली वो अल्फा सेफ से एनकाउंटर करता है, जहाँ एक लॉन्ग एंड हार्ड बैटल के बाद माइकल के असिस्ट से प्रॉफिट फाइनली अल्फा सेफ को मार ही देता है। This one's for Raptor Team, you son of a bitch. अब क्रैश माइकल को प्रॉफिट वीटोल से बाहर निकालने का ट्राई करता है, बट वॉर्म होल के और पावरफुल होते वो प्रॉफिट को पुल कर स्पेस में फेंक देता है, जहां प्रॉफिट एक बड़ी सेफ शिप को वॉर्म होल से एंटर करते हुए देखता है, एंड ऑलमोस्ट प्रॉफिट भी अपना कंट्रोल लूज कर ही देता, बट यहाँ वो अपने इमोशन को फिर से रीगेन करते वहां से जारी आर्क एंजल सैटेलाइट को देखता है, और प्रॉफिट उसी का यूज कर एक मैसिव बीम उस सेफ वॉरशिप पे शूट करता है, लीडिंग टू द एंड ऑफ दैट शिप, एंड वो वॉर्म होल भी बंद हो जाता है, और उसी से निकला शॉक वेव प्रॉफिट को अर्थ पे फेंक देता है।
अब प्रॉफिट के उठते रिवील होता है कि नैनो सूट उसकी पूरी बॉडी के साथ मर्ज हो चुका है एंड प्रॉफिट वही लिंगशन आइलैंड पे है जहाँ 27 साल पहले पहली क्राइसिस गेम के इवेंट शुरू हुए थे एंड दैट्स हाउ दिस गेम एंड्स। अब फाइनली वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट जहां मैं गेम की अधूरी छोड़ी हुई बातें पूरी करता हूं। तो पहला क्वेश्चन, नोमैड कहां है एंड पहली गेम के बाद वो हमें क्यों नहीं दिखा। सो देखो, नोमैड जिंदा है। एज क्राइसिस 2 की फाइल से ये रिवील होता है कि डोमिनिक नोमैड को हंट कर रहा है। एज यू नो उसके पास भी नैनो सूट था, बट क्या वो पकड़ा गया? सो नो, नोमैड का अगर नैनो सूट निकाल भी लिया होता तो वो कहीं जिंदा होता और माइकल को यह बात जरूर पता होती। ऑल्सो कॉमिक के हिसाब से उसने प्रॉफिट और साइको को बचाने के लिए अपने ऊपर एक रॉकेट अटैक ले लिया था, तो उसी के बाद नोमैड गायब है। बेसिकली टेंशन मत लो, नोमैड हो सकते कि नेक्स्ट गेम में दिख जाए और या फिर तुम उसे ऐसा कैरेक्टर ही खेल लो। दूसरी बात, ये प्रॉफिट तो मर चुका था ना, तो ये क्राइसिस 3 में वापस कहां से आया और अल्कैट्राज़ कहां गया? तो देखो, प्रॉफिट का नैनो सूट एक मशीन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो रहा था, स्पेशली जब अल्कैट्राज़ उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था बाय यूजिंग बॉडी एक खाली कंटेनर की तरह बन गई थी एंड वही जन्मा प्रॉफिट, जो की क्राइसिस 2 के एंड में अपने आप को प्रॉफिट बताता है एंड क्राइसिस 3 की एंड में लॉरेंस बॉन्स। सो बॉडी वही है, बस अल्कैट्राज़ की आइडेंटिटी मर चुकी है एंड उसके अंदर आप एक लॉरेंस बॉन्स है। तीसरा की अगर ये अल्कैट्राज़ है तो एंड में हमें प्रॉफिट क्यों दिखा और सूट उससे मर्ज कैसे हुआ? तो तुमने ये लाइन तो प्रॉफिट की सुनी होगी जिसमें प्रॉफिट बताता है कि उसने अपनी आइडेंटिटी, अपनी स्किन, फ्लैश इन सबको सैक्रिफाइस किया। हाँ, तो यही नैनो सूट एक आइडेंटिटी के साथ एक बॉडी भी बन गई एंड जब एंड में प्रॉफिट के नैनाइट्स फ्री हो गए तब वो कैसी भी शेप ले सकते थे एंड ऐसे ही उन नैनाइट्स ने एंड लॉरेंस बॉन्स ने मिलकर उस मशीन को प्रॉफिट की बॉडी दी, जो की एंड में स्टेल्थ मोड में जाते हुए भी दिखता है। ऑल्सो सेफ्स अर्थ पे कैसे आए ये तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, और अगर नहीं पता चला तो देखो, सेफ ह्यूमन 2 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ पे आए थे एंड उनमें से कुछ चले गए और कुछ स्लीप मोड में चले गए एंड उन्हीं की स्लीप के टाइम पे ह्यूमंस इवॉल्व हुए। फिर काफी साल बाद जेकोब हार्ग्रीव कोरिन पीपल आर्मी का यूज कर उन्हें जगाता है, तब उन्होंने अर्थ की जैसी कंडीशन देखी उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो ह्यूमन रेस को अर्थ से खत्म करने लग गए। एंड हाँ, ये क्वेश्चन तो मैं भूल ही गया था कि साला कोरियंस के पास नैनो सूट कैसे आया। तो देखो, उन्होंने कोई यूएस नैनो सूट सोल्जर को पकड़ के रिवर्स इंजीनियरिंग तो नहीं करी, बट जैसा कॉमिक में बताया है तो उसके हिसाब से उन्होंने भी सेल्फ टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने ही नैनो सूट को बनाया, जो कि एक चीप नॉक ऑफ है नैनो सूट 1 का एंड इस नैनो सूट से वो काफी टाइम से ट्रेनिंग भी कर रहे थे। तो बस ये कंफ्यूज मत होना कि इनके पास कहां से आया ये। अब देखो, मैंने मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर तुम्हारे सामने रख दिए हैं, बट अगर फिर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। Also now don't forget to check out my live gaming channel Kenshi, जो कि बहुत ही बढ़िया है, as यहाँ मैं अपने real character को show करता हूँ कि मैं real life में कैसा हूँ। तो बस अच्छे बच्चे की तरह इस video को like कर देना and मुझे पता है कि तुम में से आधों ने subscribe नहीं किया, तो please कर दो, ये request है और order भी, नहीं तो मैं तुम्हारे घर में भी एक alien को भेज दूंगा। खैर, अब आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अपनी next video में, तब तक के लिए keep gaming, bye bye, see ya।